वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी गुब्बारे वाला। एक दफा की बात है, गांव में एक शख्स अन्नू रहा करता था जो बहुत ही लड़ाकू था। आए दिन किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता था, हमेशा झगड़े करने में आगे से आगे रहा करता था। कभी किसी गाय को इंजेक्शन लगा देता और कभी किसी की कोई ना कोई चीज चुरा कर भाग जाया करता था। उसी गांव में एक गुब्बारे वाला रहा करता था जो अपने गुब्बारे लेकर शहर में बेचने आया करता था। एक दिन गुब्बारे वाले के कुछ गुब्बारे बच गए और उसने अपने घर के आगे वो गुब्बारे बांध लिए। जैसे ही अन्नू ने देखा इतने मोटे गुब्बारे, सुई लेकर सारे के सारे अन्नू ने गुब्बारे फोड़ दिए। अब जब गुब्बारे वाला उठा कि चलो अब मैं शहर में जाके गुब्बारे बेचूं, तो देखा गुब्बारे तो सारे फटे हुए हैं। गुब्बारे वाले को शक अन्नू ही पर हुआ कि यकीनन ये अन्नू का काम है। गुब्बारे वाले ने जाके तहकीक की और अन्नू से पूछा, क्या तुमने मेरे गुब्बारे फोड़े हैं? अन्नू ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हारे गुब्बारे फोड़ूं। मैं क्यों फोड़ूंगा तुम्हारे गुब्बारे? गुब्बारे वाले ने कहीं से पैसों का बंदोबस्त किया, गुब्बारे खरीदे और फिर रात भर फुलाकर सुबह का इंतजार करने लगा। कि सुबह हो तो मैं बेचूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो देखा गुब्बारे सारे के सारे फूटे हुए थे। अब गुब्बारे वाला गया अन्नू के पास तो देखा कि अन्नू का तो मुंह सारा का सारा काला हो रहा है, क्योंकि गुब्बारे वाले ने गुब्बारों के अंदर जहरीली गैस भरी थी। इस तरह चोर पकड़ा गया। सबक, हमें ऐसे काम करने से गुरेज करना चाहिए जिसमें बाद में हमें बेइज्जती महसूस हो। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मज़ेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।